चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, या हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, शायद किए होंगे। अगर किए बढ़िया है और उसको मिलाइए कितना सही है, शायद सही किए होंगे। इसमें चार क्वेश्चन दिया गया था उसको बताएंगे, फिर आज आगे चलेंगे नेक्स्ट फार्मूला, और उसके बाद जो फार्मूला हमारा डिवीजन का उस पर किया जाएगा, फिर पहुँचेंगे हम लोग इंटीग्रेशन पर। ठीक है, आपका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जान लो, फिजिक्स का हार्ट है एकदम, इसको ध्यान से पढ़िए समझिए इसको, हैं, इसे बाद में कहीं क्वेश्चन आवे फिर दिक्कत ना आवे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई इक्वल टू है एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डीवाई बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डीवाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये लगा देना है। चलिए लगाते भाई यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, ये भी आपका वाई इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू हो गया एक्स पावर फोर प्लस वन। देयरफॉर क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, कितना आएगा, ये आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया एक्स पावर फोर प्लस वन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स पावर फोर प्लस वन, प्लस क्या हो गया सेकेंड एक्स पावर फोर प्लस वन इंटू क्या हो गया भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है ना, अब देखिए इसको छोड़ देंगे, इसको इसको ब्रेक कर दीजिए, मैं डी बाई डी अंदर ले जाइए तो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा इंटू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर फोर डी अपॉन डी एक्स इंटू वन हो गया। ठीक है, प्लस सेकंड क्या हमारा है, सेकंड है एक्स पावर फोर प्लस वन, सीख लीजिए इसको अंदर ले जाइए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, पहले लिख लीजिए भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया टू। ठीक है, सबको अलग कर दिया, इसको क्या करके हमने अलग कर दिया। अब तो फार्मूला, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देखिए भाई फार्मूला क्या हो गया, सीधे यहां पर हो जाएगा ना, कितना हो गया एक्स क्यूब थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा, यहां से लगा फोर पहले आएगा ना, फोर पहले आए एक्स पावर एक कम हो गई तीन हो गया, कांस्टेंट कितना होता है जीरो होता है, छोड़ दिया इसको, प्लस क्या हो गया एक्स पावर फोर प्लस वन आ गया, यहां देखो टू पहले आया एक्स पावर एक कम हो गई ना टू एक्स हो गया, प्लस थ्री डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो आ गया। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है, फिर देखो अब क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा इंटू फोर एक्स क्यूब आ गया प्लस एक्स पावर फोर प्लस वन आ गया इंटू टू एक्स प्लस थ्री आ गया। अब इसको इंटू कर लो आपस कितना आएगा, इंटू करिए भाई फोर से इंटू यहाँ का कितना आएगा, तो गया फोर एक्स पावर सिक्स आएगा प्लस फोर या ट्वेल्व एक्स पावर फोर आ गया, इसका इंटू करिए प्लस फोर टू या एट एक्स पावर थ्री, यहाँ इंटू करिए टू एक्स पावर फोर यहाँ कितना गया एक्स पावर फोर इंटू टू एक्स कितना गया टू एक्स पावर फाइव आ गया प्लस इसका इंटू यहाँ करो थ्री एक्स पावर फोर आ गया प्लस वन का इंटू टू एक्स में टू एक्स आ गया प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है, और सारा अरेंज कर लीजिए एक बढ़ते या घटते क्रम में, पहले पावर सिक्स अकेला है तो गया फोर एक्स पावर सिक्स आ गया प्लस एक्स पावर फोर यहाँ पर एक्स पावर यहाँ पर फोर है ना ट्वेल्व प्लस थ्री कितना आ गया क्योंकि अब फिफ्टीन एक्स पावर फोर आ गया प्लस नहीं पहले फाइव देखो भाई फाइव भी है ना फाइव कितना है फाइव अकेला है टू एक्स पावर फाइव प्लस फिफ्टीन एक्स पावर फोर प्लस एट एक्स पावर थ्री हो गया प्लस टू एक्स प्लस थ्री दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तुम्हारा ये क्या हो गया यही इसका आंसर हो गया, इतना आ रहा सही है अगर तो नहीं आ रहा जानो अपना गलती इसको सही करिए। ठीक है ना, ओके हाँ देखो थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया, यहाँ क्यूब था ना हमने यहाँ गलती स्क्वायर कर दिया इसको स्क्वायर कर लिए सर यहाँ क्यूब कर दीजिए यहाँ क्या यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, अगर यहाँ क्यूब हो गया तो थ्री पहले आएगा ना तो यहाँ पर थ्री पहले आया यहाँ स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलेगा अब यहाँ मिलेगा हमको थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा थ्री स्क्वायर प्लस टू मिलेगा थ्री मिलेगा। अब थोड़ा यहाँ चेंज हो जाएगा ना अब यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिए भाई इसको थोड़ा मिटा देते हैं थोड़ा चेंज आ गया भाई इसको ये मिटा देते हैं ना
इतना सही है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, यहां देखो इस पावर इतना सिक्स हो जाएगा ना, इसका इंटू इससे करिए, इसका इंटू इससे, प्लस थ्री एक्स पावर फोर, फिर क्या हो जाएगा, वन का इंटू यहां करिए थ्री एक्स स्क्वायर, वन का इंटू यहां करिए प्लस थ्री, आयो सही है ना, ठीक है। चेक करो भाई, सिवा चेक कर लो भाई, तो लंबा था कल समझता है, देयरफॉर डी वेरिएंस कितना आ गया, देखो एक्स क्यूब यहाँ पे, एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स पावर सिक्स यहाँ दो जगह पे, फोर टू कितना सेवन हो गया, एक्स पावर सिक्स प्लस फाइव कहीं पर भी नहीं है ना, फोर यहाँ पर है, फोर यहाँ पे है, तो ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, एक्स पावर फोर हो गया, प्लस यहाँ एक्स पावर थ्री यहाँ पे अकेला है, एट एक्स थ्री हो गया, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया, थ्री हो गया, तो ये आपका इस बार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसको उतार लिया आप लोग उतार लीजिए, अगर नहीं उतार पाए वीडियो पॉज करिए, ठीक है, फिर उतार लीजिए, ओके। अब एक अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन जो दूसरा है, क्वेश्चन सेकंड में आके आ गया, इफ वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फाइंड डी बाई डी एक्स, सबसे पहले गिवन क्या, गिवन हमको है वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू का है क्या लगाएंगे, यहाँ देखो क्या दिया, देयरफॉर डी बाई डी एक्स मतलब इंटू किया भाई, तो यहाँ वाई हो जाएगा, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, एंड कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा, अब होता है फर्स्ट फंक्शन माने साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा माइनस, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू क्या हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये फंक्शन हो गया हमारा, वैल्यू थी भाई साइन एक्स हो गया, अब ध्यान दीजिए यहां कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, ठीक है, अच्छा प्लस कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स क्या होता है, ये होता है प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, या क्या लिख सकते हो इसको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, किसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो है ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है, किसका, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी ओ ए पान डी एक्स कितना हो गया कॉस टू एक्स, कहीं नोट कर लो भाई, बहुत बार आता है फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, या टू थीटा जो कहिए, पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा क्या होता है इसी का टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तीसरा क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इस प्रकार से तीन फॉर्मूले होते हैं इसके, कॉस टू एक्स के तीन फॉर्मूले होते हैं, चाहे जो आ जाए इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो मेन यहाँ लास्ट में कितना आएगा, ये हमारा कॉस टू एक्स आ जाएगा, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके आया समझ में, बता लीजिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर, तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया, वाई टू साइन टू थीटा एंड कॉस इंटू कॉस थ्री थीटा, अब देखिए क्या फाइंड, अपनी डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, यहाँ थीटा जो वेरिएबल है ना उसके रिसल्ट फाइंड करना है, तो लेकिन क्या लिखा गया डी वाई बाय डी थीटा लिखा गया है, अर्थात क्या यहाँ वाई है ही है, हम क्या करेंगे दोनों तरफ डी बाई डी थीटा से इंटू कर दीजिए, यहाँ वाई आ गया, यहाँ डी बाई डी थीटा साइन टू थीटा आया, इंटू क्या हो गया कॉस थ्री थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हो गया या फर्स्ट फंक्शन साइन टू थीटा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थ्री थीटा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस थ्री थीटा इंटू क्या हो गया डी बाई डी डी थीटा बाई डी एक्स नहीं रहेगा ना, कि डी थीटा इंटू क्या हो गया इंटू हो गया साइन टू थीटा आएगा, अब की भूल से सही लिखना नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये हो गया साइन टू थीटा आया, ठीक है, यहाँ देखो कॉस थ्री एक्स है सेम एक्स या कॉस के थीटा के कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकलता है, और कॉस होता माइनस, तो माइनस थ्री क्या हो गया साइन थ्री थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ हो गया कॉस थ्री थीटा में कोई समस्या नहीं है, साइन क्या होता है के साइन के एक्स, अर्थात यहाँ क्या हो गया के साइन के सॉरी साइन क्या साइन के साथ कॉस होता है, तो हो गया कितना टू कॉस टू थीटा आ गया, ठीक है, कितना भाई हो गया माइनस थ्री साइन टू थीटा इंटू साइन क्या हो गया थ्री थीटा, प्लस क्या हो गया कॉस टू थीटा इंटू क्या हो गया इंटू कॉस थ्री थीटा हो गया, ठीक है, तो कॉस से कॉस साइन क्या हो गया कॉस से कॉस भी प्लस साइन साइन भी, एक और लगा सकते हो आप देखिए ध्यान से,
इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये भी चल जाएगा, इसे में यही वाला आंसर हो गया। थोड़ा और दिमाग लगाना चलाना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस टू साइन थीटा इंटू क्या हो गया साइन थ्री थीटा, फिर माइनस ये क्या हो गया साइन थीटा, हाँ इंटू कितना हो गया साइन टू थीटा भाई, साइन टू थीटा इंटू कितना हो गया, यहाँ पर हो गया साइन टू थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, प्लस क्या हो गया कॉस टू थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला याद करिए, ये हो गया टू साइन टू थीटा इंटू साइन थ्री थीटा, ठीक है। देखो क्या बन गया, यहाँ इसको ऐसा लिख लो कॉस टू थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, और क्या होता है और दिया माइनस, यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया साइन टू थीटा इंटू, ये सही साइन होगा ना, ये यहाँ साइन थी इंटू क्या हो गया इंटू साइन थ्री थीटा इंटू साइन थ्री थीटा। देखो फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, देखो ये होता है क्या कॉस ए कॉस बी, पीछे देखो कहीं लिखे हो गए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला किसका होता है कॉस ए बी ए प्लस बी का फार्मूला है, पीछे कहीं लिखा होगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ देखो सर साथ में यहाँ माइनस भी यहाँ पे, चलिए क्या आया इसके हो गया माइनस टू साइन टू थीटा इंटू साइन थ्री थीटा, माइनस किसका फॉर्मूला बन गया कॉस टू थीटा प्लस हो गया थ्री थीटा, ठीक है, अर्थात कितना आ गया हो गया माइनस टू साइन टू थीटा इंटू साइन थ्री थीटा, ठीक है, माइनस क्या हो गया कॉस फाइव थीटा, दिस इज द आंसर, इतना क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। वैसे आपका देखो सही यहीं पर चल जाएगा, इतना अभी करके सभी तो भी सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो भाई और आपने लगा दिया फॉर्मूला यहाँ पे, तो कितना फॉर्मूला को याद रहता है उसके अनुसार क्या है फिर डिपेंड करेगा आपका आंसर। आई होप इज क्लियर, ठीक है भाई, चलिए ओके फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, उतार लो फट जल्दी से। देखो जो पीछे लगाया था थोड़ा भी थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गया था, यहाँ देखो टू आया था ना, हमने यहाँ टू लगाना भूल गए थे हम लोग कि टू यहाँ पे आएगा, इसलिए क्या हो गया तब हो गया टू कॉस टू थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, थोड़ा बहुत ध्यान देना भाई। अब देखो क्या किया, देखो यहाँ पे जो ब्रेक कर दिया थ्री को दो पार्ट में, यहाँ तीन है, ध्यान देखो माइनस टू माइनस वन थ्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा फिर चेक कर लो, थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं फिर चेक कर लो एक बार, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से इन दोनों को इन दोनों के साथ दे दिए इन दोनों को, इन दोनों को क्या कॉमन है दो कॉमन हो जाएगा ना, तो वहां से दो कॉमन ले लेते हैं, जो क्या हो जाएगा पहले लिखे हमने कॉस टू थीटा लिखा इंटू क्या कॉस थ्री थीटा लिखा ना कॉस थ्री थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो गया माइनस साइन टू थीटा हो जाएगा इंटू साइन थ्री थीटा हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन क्या हो गया इंटू साइन थ्री थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या जब हो जाएगा हो गया टू हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मिल गया फार्मूला, यहाँ हो गया कॉस टू थीटा प्लस थ्री थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, आया समझ में, माइनस क्या हो तो पहले लिखा गया साइन टू थीटा इंटू साइन थ्री थीटा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा ये हो गया इसका टू कॉस फाइव थीटा माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन कितना हो जाएगा इंटू साइन थ्री थीटा आ जाएगा। अब सही हो गया भाई बेटा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, चाहे आप इसको लिखिए यहाँ पे चल जाएगा या सॉल्व करा दीजिए, एक आंसर देखिए अगर आपने इतने कर दिया यहीं डायरेक्टिक लगा दिया तो भी आपका सही है, कोई जरूर को लंबा करें, हाँ ओके ना, चलिए नोट क्या दिख रहा पूरा ना, हाँ पूरा दिख रहा है, नोट करिए फिर से ओके। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर टू एक्स ई पावर माइनस टू एक्स फाइंड डी ए बाई डी एक्स फाइंड करना, ठीक है ओके, चलिए शुरू करिए, यहाँ क्या हो गया पहले क्या लेंगे y इक्वल टू हो गया e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ठीक है, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x, ये क्लियर होना चाहिए आपको, यहाँ माइनस माने क्या माइनस लिखा माइनस वन लिखा गया था, रखिए इसको यहाँ इंटू करो बाई डी बाई डी एक्स क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये हो गया डी बाई डी एक्स, इसको ऐसा क्लियर करिए, यहाँ लिखा वन एक्स लिखा है प्लस e पावर माइनस वन एक्स, यहाँ रखिए दिमाग की रहे हमेशा तभी क्लियर रहे, दिक्कत करेगा इंटू ई पावर टू एक्स ई पावर माइनस टू एक्स, एग्जाम की जरूरत नहीं लिखा जानी है सर। अब क्या लिखेंगे फर्स्ट क्या हो गया फर्स्ट हो गया ई पावर वन एक्स
प्लस ई पावर माइनस वन एक्स, ठीक है, इंटू क्या हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या हो गया ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स हो गया, प्लस सेकेंड क्या है, हाँ सेकेंड फंक्शन देखिए क्या हो जाएगा, जो गया ई पावर टू एक्स प्लस सॉरी माइनस ई पावर टू एक्स है इंटू हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट कितना है ई पावर वन एक्स प्लस क्या है ई पावर माइनस वन एक्स, क्लियर हुआ। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखिए, फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन अगर डी बाई डी एक्स कितना हो गया ई पावर के एक्स आ गया तब क्या हो गया के बाहर निकलेगा ई पावर के एक्स, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला करते करते याद हो जाएगा, परेशान जरूरत नहीं है। चलिए कितना हो गया यहाँ ई पावर एक्स लिखते हैं प्लस ई पावर माइनस एक्स, कोई बात नहीं भाई, यहाँ देखो कितना हो गया, इसको ब्रेक करिए अंदर ले जाइए डी बाई डी एक्स ई पावर टू एक्स हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस टू, अंदर ले गए ना, चलिए प्लस ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स, अंदर ले जाओ भाई डी बाई डी एक्स ई पावर वन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस वन एक्स, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया इक्वल टू ई पावर एक्स आ गया ई पावर माइनस एक्स आ गया, अब देखिए क्या टू पहले आएगा, ये और फॉर्म रहेगा के एक्स वाला ना, टू पहले आया ई पावर टू एक्स रहा, ठीक है भाई, यहाँ क्या माइनस टू है, एक वैल्यू कितनी है एक्स वाई जो कुछ बचा है माइनस टू हो गया, तो माइनस टू पहले आया ई पावर माइनस टू एक्स हो गया, ठीक है भाई। चलो प्लस यहाँ क्या हो गया ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ई पावर केवल एक्स ही रहेगा ना, कोवन पहले आएगा तो मतलब नहीं है, और यहाँ माइनस वन है इसलिए प्लस माइनस वन पहले आया ई पावर माइनस वन बचा, ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ माइनस वन पहले आएगा क्योंकि माइनस वन क्या हो गया वही हमारा के है, ठीक है, कितना हो गया सॉल्व कर लो ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ क्या हो गया टू ई पावर कितना टू एक्स प्लस क्या हो गया टू ई पावर टू माइनस टू एक्स आ गया ना, यहाँ कितना हो गया प्लस ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स इंटू कितना हो गया ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस, यही आपका आंसर हो गया, बस आगे नहीं सॉल्व होगा, और लंबा इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, या कर तो इसका इंटू सब में कर दो आपस में थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा, हो सकता कुछ कट पिट जाए। चलिए सब ले लेते हैं, इसको ब्रेक कर दो सारे को, इसका इंटू इसमें देखो ध्यान से ई एक्स इंटू कितना हो जाएगा टू ई पावर, देखो बेस इक्वल है पावर क्या जुड़ जाएगी ना थ्री एक्स हो जाएगा, इसका इंटू इसमें इसका इंटू इसमें कर कितना हो गया प्लस टू ई पावर कितना माइनस टू एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा माइनस क्या हो गया हो गया माइनस एक्स बचेगा, इसका इंटू इसमें करो प्लस कितना टू यहाँ टू एक्स माइनस एक्स ई पावर एक्स बचेगा, इसका इंटू यहाँ करो टू ई पावर माइनस थ्री एक्स हो गया, ठीक है, इंटू देखो इसका इंटू यहाँ इसका इंटू यहाँ इसका इंटू यहाँ इसका इंटू यहाँ, ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए प्लस इसका इंटू यहाँ करो ई पावर थ्री एक्स आ गया, इसका इंटू यहाँ करो माइनस ई पावर कितना हो जाएगा एक्स बचेगा ना टू एक्स माइनस एक्स, बेस इक्वल होने पर पावर जुड़ जाती है, जोड़ दो वही सीधे इसका इंटू यहाँ करो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स ना यहाँ माइनस टू एक्स प्लस एक्स, इसका इंटू यहाँ करो प्लस कितना हो गया ई पावर माइनस टू एक्स माइनस एक्स कितना माइनस थ्री एक्स आ गया, ठीक है वो क्लियर। अब देखो यहाँ देखो थ्री एक्स यहाँ पर है और थ्री एक्स यहाँ पर है तीन हो जाएगा क्योंकि यहाँ थ्री ई पावर थ्री एक्स आ गया, फिर देखो भाई ठीक है माइनस देखो कितना है माइनस थ्री एक्स यहाँ पे है माइनस एक्स यहाँ पे है तो प्लस हो गया थ्री ई पावर माइनस थ्री एक्स आ गया, अब देखो यहाँ टू ई एक्स यहाँ पे है और यहाँ ई एक्स कहीं और हो गए माइनस देखो टू ई एक्स यहाँ प्लस यहाँ माइनस है कितना हो गया हो गया प्लस ई पावर एक्स, यहाँ टू प्लस है यहाँ माइनस है क्या हो गया प्लस ई पावर माइनस है, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है हो गया ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया, वह चेक कर लीजिए फिर से कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारा क्वेश्चन कर लिया जो हमने दिया था, ठीक है एक बार रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चन थोड़ा करिए, बुक में आपको क्वेश्चन दिए उसे कर डालिए, ठीक है तब पूरा एकदम वेल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। चलिए सर फिर देखते हैं इंटीग्रेशन फार्मूला, ठीक इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद तब बताएंगे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फिजिक्स में कहाँ इसका यूज है, कुछ क्वेश्चन कराएंगे फिजिक्स के, बाकी जब क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो हम लोग उसको करते रहेंगे,
तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, देखो क्या क्या उसमें, ठीक है ना। अब क्या लेते हैं इंटीग्रेशन देखते हैं भाई, ठीक है। तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें जब लेंगे इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन दो टाइप होता है, क्या फर्स्ट यूनिट हॉट इंटीग्रेशन, पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं ना कि डिफरेंशिएशन में किसी भी इरेगुलर चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, चाहे देखो चाहे रेगुलर चाहे इरेगुलर हो, ठीक है। रेगुलर ऑटोमेटिक अपने आप जोड़ लें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन इरेगुलर को छोटे छोटे रेगुलर पार्ट में तोड़ने के बाद, ठीक है, तोड़ते हैं फिर क्या उसको ऐड करते हैं, तो जो प्रोसेस तोड़ने की है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्यों तोड़ा, क्योंकि जिससे हमारा इरेगुलर चीज कहाँ गई, रेगुलर में आ गई, ठीक है। फिर उसको समेशन सम कर देंगे क्या हो जाएगा, तो ये आपका रेगुलर हो जाएगा। फिर क्या उसको जोड़ लेंगे, तो हमको जो एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, या जो फिजिकल क्वांटिफाइड करना है, ठीक, कहीं ऑर्डर निकालना हो, कहीं फोर्स निकालना हो, कहीं वेलोसिटी निकालना हो, कहीं एक्सेलरेशन निकालना होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या, जैसे एक्सेलरेशन क्या है हमें निकालना है, वेलोसिटी हमारी इरेगुलर है, नॉन यूनिफॉर्म है, देन हाउ यू कैन फाइंड वेलोसिटी, फाइंड करेंगे वहाँ पे, इसके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो दो टाइप होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा क्या होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसको देखते हैं अगले वीडियो, ठीक है ना। इसको अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो खोलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबा दीजिए भाई, जिससे क्या अगर बेल आइकन पुश कर देंगे तो आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, फिर दिक्कत नहीं, जैसे वीडियो डालेंगे आपको नया वीडियो तुरंत मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है ना। चलिए, ओके भाई।